नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, मेरे चैनल अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो सभी गार्डनर पूछते हैं, करते हैं, कुछ को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कुछ को नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कुछ को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और कुछ को ख़राब मिल रहा है? जैसे खाने पीने का हमारा समय होता है कि इस समय हमें ये खाना है, उस समय हमें ये खाना है। ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। गर्मी के मौसम में हमें ठंडी चीज़ का सेवन करना है, सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ खानी है। खट्टी चीज़ों के साथ मीठी चीज़ नहीं खानी है। ठीक वैसा ही हमारे प्लांट के साथ होता है, इनमें भी जीवन है। इनको कौन सी कब खाद देनी चाहिए, कब नहीं, और कितने समय के अंतर पर देना चाहिए? कौन सी खाद किस पौधे को नहीं देनी चाहिए? तो आज हम बात करने वाले हैं सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइजर्स की। सरसों का तेल निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसी को सरसों की खली कहते हैं, और उसी का इस्तेमाल बहुत लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका पौधा जल जाता है, ख़राब हो जाता है या मर जाता है। दोस्तों, ये सरसों की खली है। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें कब यूज़ करना है और कब नहीं? सरसों की खली में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इसका लगातार प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप 250 ग्राम सरसों की खली लेते हैं तो उसे 3 लीटर पानी में भिगो लें। रोज सुबह शाम उसको किसी डंडे की सहायता से चलाते रहें। इस मिक्सचर को आप किसी छायादार स्थान पर रखें। जाड़े के दिनों में 7 दिन तक इसको डीकम्पोस्ट होने दें, और गर्मियों के मौसम में कम से कम 3 दिनों तक इसको डीकम्पोस्ट होने दें। उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसको कितना डाइल्यूट करना है। दोस्तों, हमने 250 ग्राम सरसों की खली को 3 लीटर पानी में भिगोया था। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें उसमें 9 लीटर पानी और मिक्स करना है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें किन पौधों पर करना है और किन पौधों पर नहीं। दोस्तों, नींबू, आम, कीनू, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि के पौधों में हमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। साथ ही जो प्लांट इंडोर होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही हमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट, सिनेनेरिया, अजेलिया, कमेलिया, फ्यूसिया आदि के प्लांट पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात आती है कि इसको कब डालना है। जब पौधे का ग्रोथ पीरियड हो तब हमें इसका प्रयोग करना है। कब नहीं करना है? जब पौधे में कलियां लग चुकी हों और जब पौधे में फूल खिल गए हों तब इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। दोस्तों, सरसों के खली में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने से कलियां फूलों में कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। इसलिए जब पौधे में कलियां लग चुकी हों और फूल खिल गए हों तो इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, अगर आपका गमला 10 इंच का है तो उसमें 200 से 250 ग्राम सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमें प्रयोग करना है। कितने दिनों के अंतर पर प्रयोग करना है, कम से कम 45 दिन के अंतर पर इसका हमें प्रयोग करना है, उसके पहले नहीं। दोस्तों ये जानकारी थी सरसों खली के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।